अब मैं उन मजदूरों का नाम आपको बताता हूँ कि वो मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं। जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी सलामती के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो उनकी तस्वीरें जो है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, जब कैमरा उन तक पहुंचा था, ये वही मजदूर है जो फंसे हुए हैं। लेकिन ये है कहाँ के, आपके मन में उत्सुकता होगी जरूर जानने की ये लोग हैं कौन, कहाँ से ये उत्तरकाशी में काम करने के लिए पहुंचे हुए थे, और ये इनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको नाम के हिसाब से बताता हूँ कि कौन किस राज्य का है। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मजदूर हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। गब्बर सिंह नेगी इनका नाम है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा साबाह अहमद बिहार के रहने वाले हैं, सोनू शाह बिहार के रहने वाले हैं, मनीर तालुकदार ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जो पिछले 12 दिन से टनल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा सेविक पखेरा है पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, अभिलेश कुमार यूपी के रहने वाले हैं, जयदेव परमानिक पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वीरेंद्र किस्कू ये बिहार के रहने वाले हैं, सपन मंडल ओडिशा के रहने वाले हैं, सुशील कुमार बिहार के रहने वाले हैं जो पिछले 12 दिन से एक गुफा के अंदर टनल के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा विश्वजीत कुमार हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, सुबोध कुमार ये भी झारखंड के रहने वाले हैं, भगवान बन्ना ये ओडिशा के रहने वाले हैं। इसके अलावा यूपी के अंकित हैं, राम मिलन है, सत्यदेव है और संतोष है। इसके अलावा जयप्रकाश भी यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी के सर्वी के अंकित, राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश। उत्तराखंड की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले गब्बर सिंह नेगी का नाम बताया था, और इसके अलावा दो उत्तराखंड के मजदूर हैं। दूसरे मजदूर का नाम है राम सुंदर जो पिछले 12 दिनों से इस टनल में फंसे हुए हैं। झारखंड की अगर मैं बात करता हूं तो झारखंड के अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया, सुखराम, टीकू सरदार, गुनोधर, रंजीत, रविंद्र, समीर ये सभी जो मजदूर है झारखंड के रहने वाले हैं। इनके अलावा महादेव है, विदितु मुर्म है, चमरा उराव है, विजय होरो है, प्रपति है, सभी जो मजदूर है वो झारखंड के ही रहने वाले हैं। 15 मजदूर झारखंड के इस टनल में फंसे हुए हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मात्र एक मजदूर है, विशाल नाम है उनका, और वो भी पिछले 12 दिनों से इस टनल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस जो है वो तैनात है यानी कि तैयार खड़ी है। बस किसी भी वक्त वो समय आ सकता है जब सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जनसत्ता लगातार इस खबर पर, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार बना हुआ है, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है, वो बयान दिखा रहा है। हमने आपको मजदूरों के नाम बताए, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन वो मजदूर हैं जो पिछले 12 दिनों से इस टनल में फंसे हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। एक जानकारी और आपको यहाँ पर मैं दे दूं कि जो ये मजदूर फंसे हुए मजदूर हैं, इन लोगों के हालचाल जानने के लिए जो परिजन पहुंच रहे हैं, इनके जो परिजन हैं, अब तो लगभग सभी मजदूरों के परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं। इनका जो खर्चा है वो सभी सरकार उठा रही है। मजदूरों के परिजनों के समन्वय बनाने को 3 और अफसर उत्तरकाशी भेजे गए हैं, यानी कि पहले से जो टीम बनाई गई थी उसमें 3 और अधिकारियों को जोड़ लिया गया है। वही आवागमन, रहने यानी कि जो यात्रा का खर्चा होगा, आने जाने का जो खर्चा होगा, रहने का जो खर्चा होगा, खाने का जो खर्चा होगा, यहाँ तक कि मोबाइल में रिचार्ज तक, वो सभी जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है।